तो आज फिर बनी मैं दुल्हन, लेकिन इस बार दुल्हन बनने का मकसद मेरा ये था कि कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा मेकअप कर लिया जाए। तो आज जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए, उसका प्राइस 100 से 150 के बीच तक का होगा। मोस्टली 100 रुपये के अंदर में चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, आई मीन कर चुकी हूँ, और ये वाला लुक मैंने पाया है। तो बजट आपका जो कोई भी हो, खूबसूरत अगर आपको मेकअप के थ्रू और ज़्यादा दिखना है अपनी शादी वाले दिन, तो इस तरीके से आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं अंडर 100 रुपीज़। तो ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा आसान। मेक श्योर वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और अपने सारे सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर कर लेना यार। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए मैंने डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर ले लिया है और इसे ब्रश की हेल्प से मैं आई को कंसील करने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था प्रोडक्ट्स चूज करना जो कि सिर्फ 100 रुपये में हो, तो मैंने डिस्काउंट और ऑफर चेक किया। वेबसाइट पे 40% ऑफ है और जो कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वो अप्लाई करोगे तो 10% एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 50% ऑफ आपको मिल जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स पे जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। तो MRP पे ना जाए, ऑफर अप्लाई करने के बाद आपको 100 रुपये के आसपास की ये चीज़ें पड़ जाएंगी। मैंने यहाँ पे कुछ लोकल ड्रग स्टोर से आई शेड के लिए यूज़ किया है, NYBAKE का क्रेयॉन यूज़ किया है, और ये है आई शेडो पैलेट, और ये हाइलाइटर के लिए मैंने ये एक ड्यूप आता है मेकअप रेवोल्यूशन का, वो यूज़ किया है। ये काफ़ी सस्ता आपको किसी भी आसपास के दुकान में मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सॉफ्ट पिंक कलर ले लिया है आई शेडो का, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। उसके बाद NYBAKE का लिप क्रेयॉन लिया है, पिंक कलर है, कट क्रीज बनाने के लिए आपको का शेप अच्छे से दे देंगे और ब्रश के हेल्प से इसको ब्लेंड कर देंगे। आई मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे तो शेडिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड ले लिया है जो मैंने आपको ड्यूप दिखाया था वो वाला, और उसको अच्छे से कॉर्नर्स में ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद अंदर से बाहर आपको ग्लिटर लगाना है, मतलब जो कट क्रीज हमने क्रिएट की थी ना उसके नीचे इस तरीके से गोल्डन ग्लिटर लगा दिया। ये ग्लिटर मेरा डिजास्टर रहा, उतना अच्छा मतलब नहीं था ये, बट 100 रुपये के अंडर यूज़ करना था तो इससे ज़्यादा बेस्ट मुझे कोई और मिला नहीं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे हटा दिया है टेप, तो कितना अच्छा कलर आया है। NYBAKE का लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर दिया है, विंग बना दिया है, और ये ड्यूप हाइलाइटर है। आईब्रो के लिए आप मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, NYBAKE की आईब्रो पेंसिल भी आती है वो ले सकते हो। उसके बाद देखो ग्लिटर की वजह से कितना ज़्यादा फॉल आउट हुआ है, उसको मैंने वेट वाइप से क्लीन कर दिया है। अब चेहरे को मॉइस्चराइज करने की बारी आती है, तो निविया से ज़्यादा सस्ता और अच्छा मॉइस्चराइजर तो हो ही नहीं सकता है, तो उससे मॉइस्चराइज किया है। NYBAKE का प्राइमर यूज़ किया है प्राइम करने के लिए अपने फेस को, ताकि मेरे ओपन पोर्स को ये क्लोज कर दे और मेकअप को लगाने के लिए एक फ्लैट कैनवास प्रोवाइड कर दे, स्किन को एकदम सॉफ्ट बना दिया है। यहाँ आई एम चजैम का मैंने ऑरेंज कंसीलर लिया है और आपका मेकअप और ज़्यादा अच्छा निकल के आता है अगर आप कलर करेक्शन थोड़ा कर लेते हो फेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, कलर करेक्शन हो जाएगा और स्मॉल और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इतना सस्ता और इतनी अच्छी क्वालिटी का है ये कंसीलर, मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है ये, देख रहे हो आप। उसके बाद मैंने NYBAKE का फाउंडेशन लिया है। अभी NYBAKE का फाउंडेशन 125 का है, डिस्काउंट के बाद 100 रुपये का आपको पड़ जाता है। बेस्ट नहीं है ये, लेकिन काफी अच्छा कवरेज इसने दे दिया। सारे प्रोडक्ट्स आपको 100 रुपये के सिर्फ आज के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऑफर आज के लिए है, कल आपको नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप किसी और दिन देखते हो तो ये प्रोडक्ट्स आपको 100 रुपये से ज़्यादा के मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल अफोर्डेबल है। मेकअप ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर ले लिया है दोबारा से डार्लिंग वाला, और उसके बाद इस तरीके से कंसील कर दूंगी, क्या बोले तो हाईलाइट कर दूंगी अपने हाई पॉइंट्स को। बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और उसके लिए मैंने NYBAKE का स्टिक कॉन्टोर लिया है। बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कॉन्टोर करने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट कर देंगे।
लगाने के लिए सेम मैंने डार्लिंग इजाबेला का लिपस्टिक लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ क्योंकि इससे लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लगती है। और अब मैं NYB का काजल लगा के उसको थोड़ा स्मज कर दूंगी और अंदर व्हाइट काजल लगा लूंगी। और मस्कारा मुझे 100 में नहीं मिला तो मैंने वही लिक्विड लाइनर को एज अ मस्कारा यूज किया है, सेटिंग स्प्रे NYB का यूज किया है, उसके बाद मेरा मेकअप फिनिश होता है। देखो ग्लिटर थोड़ा सा निकल रहा है, आई नो सस्ता ग्लिटर तो ऐसा होता है, तो ग्लिटर में अपना पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए। बाकी लुक ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? 100 रुपए में ब्राइडल मेकअप कभी नहीं होता है, पहली बार मैंने किया है, आप बताइए कैसा लगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो मेरे चैनल को अगेन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हमारा नया ब्लॉग आ चुका है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे, वहां जाके जरूर देखिए। चल देन, बाय।